मैं अश्विनी बटला, प्रधान रामा क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट। ये सेवा मुझे 22 साल से मिली हुई है। मैं अपनी तरफ से अपने जो साथी हैं, जो ट्रस्टी हैं हमारे साथ 32, उनके सहयोग से मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत बढ़िया से बढ़िया हम लोग जो व्यवस्था कर सकते हैं वो करें। और हमने 22 साल में ये इस व्यवस्था को बनाने में बड़ी सारे हमारे साथियों ने बड़ी मेहनत की और हम लोग अपने अपने सहयोग से सबके इतनी बढ़िया रामलीला दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो रामा क्लब का स्थान है इसमें एक बढ़िया 7 साल से लंगर भोजन की भी व्यवस्था है, जो दोपहर में हर आदमी को लंगर मिलता है। और हमारी यही कोशिश है कि जो भी यहाँ प्राणी माई भाई आए वो संपन्न होके जाए और वो खुश होके जाए। और रामलीला के दिनों में भी हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी यहाँ आए उसकी जो भी मनोकामना हो वो रामा क्लब की स्टेज पर पूरी होती है। रामा क्लब अपना 75वां उत्सव मना रहा है। 75 साल हो गए हमारे बुज़ुर्गों ने जो एक रवायत शुरू करी थी, आज 75 साल से हम उसको आगे ले जा रहे हैं। और हमें ये भी उम्मीद है कि आगे आने वाली हमारे जो अगली नई टीम है, पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, वो इसको आगे लेके जाएंगे और इसको 100-200 साल तक ऐसे ही बरकरार रखेंगे। प्रभु श्री राम की कृपा से ही ये सब संभव हो सका, हमारी कोशिश यही है। और आज दशहरा पर्व पर सिरसा निवासियों को, देश निवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। सबके घर में खुशियाँ आए, संपन्नता आए और नशों से बच्चे दूर रहें। राम लीला का दिखाने का मकसद भी एक ही है कि भाइयों में प्यार क्या होता है, माँ बाप की इज्जत कैसे करनी चाहिए। आज का जो वक़्त है जैसे कि परिवार टूट रहे हैं, राम लीला का दिखाने का पर्पज़ सिर्फ एक ही है, ये कि जो भी बच्चे आते हैं वो देखते हैं कि भाई कैसे होते थे। एक भाई के लिए दूसरा भाई 14 साल वनवास चला गया और दूसरे भाई ने 14 साल खड़ाऊ रख के अपनी उसकी सेवा की। तो ऐसा प्यार आज जो ख़त्म होता जा रहा है उसको द्वारा आए समाज में, समाज हित में काम हो, इसके लिए रामा क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयासरत है। जय श्री राम। विशंबर चुक बोल रहा हूँ जी, रामा क्लब से। सर आज क्या कार्यक्रम है? आज दशहरे का प्रोग्राम है जिसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी यात्रा की तैयारी है, अभी यात्रा निकलेगी और दशहरा ग्राउंड तक जाएगी। 75वां साल हम मना रहे हैं राम जी की कृपा से। बड़ी खास चीज क्या रहेगी आज? इस बार हमने 2 की जगह 3 पुतले बनवाए हैं और जाकी में भी अलग अलग पोज बना रहे हैं। 2 तरह के बैंड आ रहे हैं, ढोल वाले आ रहे हैं बाहर से, गंगानगर से, और बाकी हमारे महासचिव जी आपको पूरी बात बताएंगे। जय श्री राम। मैं गुलशन कुमार वधवा, महासचिव श्री रामा चैरिटेबल क्लब संस्था। आज दशहरा पर्व है, सारे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज हम दशहरे की शोभा यात्रा नेहरू पार्क से निकालकर जनता भवन और अनाज मंडी होते हुए शिव चौक से फिर घंटाघर चौक, घंटाघर चौक से भगत सिंह चौक, भगत सिंह चौक से रोड़ी बाजार, रोड़ी बाजार से सदर बाजार से आर्य समाज रोड होके परशुराम चौक, सतराम सिंह चौक और कमलपुर रोड होती हुई देवीलाल पार्क के नजदीक ऑटो मार्केट में पहुंचेगी, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले लगाए गए हैं। उनका शाम को जो भी दशहरा विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा वहां पे। इसका चीफ गेस्ट कौन रहेगा? हमारे मुख्य जो है आज बहन कुमारी शैलजा जी हैं, एमपी सिरसा, और साथ में नव विधायक जो अभी हैं श्री गोकुल जी सेतिया, वो भी साथ हमारी शोभा यात्रा से ही साथ हो जाएंगे हमारे और आगे तक वो हमारे साथ रहेंगे। मैं अनिल कुमार बांगर, रामा क्लब उप प्रधान। आज दशहरे का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी बड़े चाव से धूमधाम से नाचते गाते हुए जाएंगे शोभा यात्रा के साथ। आज शोभा यात्रा में क्या खास है? हर साल से क्या हटके कर रहे हो आप? क्या होगा इसमें? ये 75वां साल आएगा, वो धूमधाम से ही मनाया जाएगा। सर आज नेहरू पार्क में क्या करेंगे?
रामा क्लब अपना 75वां साल मिला रही है। कोशिश की कि कुछ नया लोगों को दिखा सके, जैसे LED और दशहरे में तो प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से कह नहीं सकते कितना कामयाब हो गए, लेकिन प्रयास हमारे इस और ज्यादा अगर सक। आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हमारा तो यही है कि सनातन धर्म को पालन करो, उसके बीच में आओ, अपने समाज को जोड़ो, प्यार और खुशियां बांटो।